हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप में से कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में हमसे ये पूछा है कि आखिर फिल्में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, तो आज का वीडियो आप सबके नाम। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने हमारे चैनल यानी कोमल नाटा ऑफिशियल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब फिल्में बनती हैं आप तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। फिल्में बनाते हैं प्रोड्यूसर्स एंड ऑफ कोर्स डायरेक्ट करते हैं डायरेक्टर, लिखते हैं राइटर। लेकिन फिल्म बनाना तो एक बात है, फिल्म को आप तक पहुंचाना वो भी बहुत जरूरी है। नहीं तो फिल्में बनकर डब्बे में पड़ी रहेगी, आप तक पहुंचेगी ही नहीं। और आप तक पहुंचाने के लिए प्रोड्यूसर को जरूरत पड़ती है डिस्ट्रीब्यूटर की या डिस्ट्रीब्यूटर्स की। पहले के जमाने में यानी 1970s, 80s, 90s, उससे भी पहले 2000 तक बल्कि, अलग अलग टेरिटरीज के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे। यानी बॉम्बे के डिस्ट्रीब्यूटर कोई और होते थे, दिल्ली यूपी कोई और डिस्ट्रीब्यूट करते थे फिल्म को, ईस्ट पंजाब, बंगाल, इस प्रकार अलग अलग सर्किट्स के या अलग अलग टेरिटरीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे। फिर अर्ली 2000 में ये चलन आया कि कभी कभी लोग सारे इंडिया के राइट्स एक ही डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते थे, या कभी कभी तो ऐसा भी होता था वर्ल्ड वाइड राइट्स एक ही डिस्ट्रीब्यूटर खरीद लेता था। कहने का मतलब है कि प्रोड्यूसर या तो एक या दो डिस्ट्रीब्यूटर से, अगर इंडिया के राइट्स का एक डिस्ट्रीब्यूटर है और ओवरसीज का एक और डिस्ट्रीब्यूटर है, तो दो डिस्ट्रीब्यूटर से डील करता था। और अगर वर्ल्ड वाइड राइट्स एक ही डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीद लिए तो एक प्रोड्यूसर को केवल एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डील करना पड़ता। आज भी ऑफकोर्स अलग अलग टेरिटरीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी फिल्में खरीदते हैं, लेकिन कभी कभी एंड क्वाइट ऑफन एक्चुअली पूरी फिल्म के ऑल इंडिया राइट्स या ऑल वर्ल्ड राइट्स केवल एक डिस्ट्रीब्यूटर खरीद लेता है। ऑफकोर्स उसके बाद ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड राइट्स खरीद लिए हैं, वो अलग अलग टेरिटरीज के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है, या उन्हें फिल्म इन टर्न बेच देता है। लेकिन फॉर द प्रोड्यूसर केवल एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने पूरे इंडिया के या पूरे वर्ल्ड के राइट्स उसके फिल्म के खरीद लिए हैं। और खरीदते भी अलग अलग सिस्टम्स के मुताबिक है। एक तो है एमजी रॉयल्टी सिस्टम। एमजी स्टैंड्स फॉर मिनिमम गारंटी। इसमें एक प्राइस तय होती है एंड दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ डिस्कशंस एंड डिबेट्स बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द डिस्ट्रीब्यूटर। फॉर सिंप्लिसिटी सेक हम आपको उस फॉर्म्यूला में समझा रहे हैं जैसे कि केवल एक डिस्ट्रीब्यूटर ने पूरे इंडिया के राइट्स खरीद लिए हैं। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर जो राइट्स खरीदना चाहता है और वो प्रोड्यूसर जो राइट्स बेचना चाहता है अपने फिल्म के, ये दोनों डिस्कशन करते हैं। जैसे अगर आपको घर खरीदना है तो आप घर बेचने वाले के साथ डिस्कशन करेंगे एंड यू विल अराइव एट अ कॉन्सेंसस प्राइस। वैसे ही फिल्म की एक कॉन्सेंसस प्राइस होती है जो प्रोड्यूसर को भी मंजूर है और जो डिस्ट्रीब्यूटर जो खरीदना चाहता है उसे भी ठीक लगती है। वो प्राइस जनरली स्पीकिंग, अगर एमजी रॉयल्टी की बात हम करते हैं तो मिनिमम गारंटी रॉयल्टी उस प्राइस को कहते हैं। यानी अगर कोई फिल्म के ऑल इंडिया राइट्स 100 करोड़ में बिकते हैं तो 100 करोड़ की प्राइस एमजी रॉयल्टी है, यानी मिनिमम गारंटी रॉयल्टी। अब आप पूछेंगे मिनिमम क्यों, मैक्सिमम क्यों नहीं? मिनिमम इसलिए क्योंकि जब वो डिस्ट्रीब्यूटर के 100 करोड़ प्लस 20% अबव दैट, और 20% ही क्यों, क्योंकि 20% माना जाता है कि उसके ऑफिस के खर्चे होते हैं, उसके खुद के मेहनताना के हैं, I mean, he has put in efforts, therefore, तो 20%, 100 करोड़ प्लस 20% यानी 120 करोड़ रुपए जब आ जाते हैं, उसके बाद जो भी रेवेन्यू आती है फिल्म जब चलती है, दैट हैज टू बी शेयर्ड विद द प्रोड्यूसर। यानी वो डिस्ट्रीब्यूटर अकेला मालिक नहीं हो सकता है, उसे प्रोड्यूसर के साथ अपना कॉस्ट यानी 100 करोड़ प्लस 20% रिकवर करने के बाद प्रोड्यूसर के साथ शेयर करना पड़ता है। और इस वजह से इस सिस्टम का नाम है एमजी रॉयल्टी यानी मिनिमम गारंटी रॉयल्टी। दूसरा सिस्टम है जो डिस्ट्रीब्यूटर खरीदता है फिल्म, वो है आउटराइट परचेज या आउटराइट सेल। डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से आउटराइट परचेज, प्रोड्यूसर के हिसाब से आउटराइट सेल। इस सिस्टम में ये होता है कि एक प्राइस तय की जाती है, वो प्राइस में डिस्ट्रीब्यूटर खरीद लेता है राइट्स और उसके बाद उसे कोई अकाउंट सबमिट करने की जरूरत नहीं। जितना पैसा कमाएगा वो खुद ही कमाएगा। अगर 100 करोड़ की फिल्म 500 करोड़ कर दी है तो सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर का है क्योंकि उसने एक आउटराइट प्राइस दे दी थी, प्रोड्यूसर के साथ कुछ भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। व्हेयरएज इन द एमजी रॉयल्टी सिस्टम उसे अकाउंट्स हर महीने प्रोड्यूसर को भेजना पड़ते हैं ताकि जब भी
उसका कॉस्ट प्लस 20% रिकवर हो जाए, प्रोड्यूसर को पता पड़ता है कि मुझे अब इतना मिलने वाला है। एंड जनरली स्पीकिंग 50-50 शेयर होता है, 50% ओवर एंड अबाउट द कॉस्ट एंड 20% जो है, 50% ऑफ दैट इज केप्ट बाय द डिस्ट्रीब्यूटर, 50% हैज टू बी गिवन टू द प्रोड्यूसर। तीसरा जो सिस्टम है वो कमीशन बेसिस का सिस्टम है। इस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हारी फिल्म मैं खरीदूं, इसलिए तुम्हारी रिस्क है, मैं तुम्हें बिजनेस करके दे दूंगा। एंड क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले रहा हूं, मैं केवल अपना मेहनताना लूंगा, यानी अपने एफर्ट्स के पैसे लूंगा। ये कमीशन 5%, 7%, 8%, 10%, 15%, 20% कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अगेन ऑन डिस्कशंस बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द डिस्ट्रीब्यूटर। इस सिस्टम में प्रोड्यूसर जो फिल्म बनाता है एंड तक रिस्क उसका रहता है, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म खरीदी नहीं है। अगर फिल्म हिट जाती है या सुपर हिट जाती है, प्रोड्यूसर को सारा पैसा मिल जाता है, एक्सेप्ट दैट कमीशन विच द डिस्ट्रीब्यूटर विल कीप फॉर हिज एफर्ट्स। यानी 5%, 7%, 8%, 10% जो भी तय हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूटर रखता है, बाकी पूरा का पूरा पैसा प्रोड्यूसर के पास आ जाता है। लेकिन अगर फिल्म फ्लॉप होती है तो डिस्ट्रीब्यूटर को तो अपना मेहनताना मिलेगा, उसके बाद प्रोड्यूसर के हाथ में जो आता है वो आता है। 100 करोड़ की फिल्म में हो सकता है उसके हाथों केवल 40 करोड़ या 50 करोड़ मिले, यानी 60 करोड़ या 50 करोड़ का नुकसान प्रोड्यूसर को बेयर करना पड़ता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म खरीदी नहीं है, केवल प्रोड्यूसर के अकाउंट में रिलीज करना है। ऐसा जनरली होता है जब कोई फिल्म में बड़े स्टार्स नहीं होते हैं, जब कोई फिल्म गर्म नहीं होती है। हम कहते हैं ना ये फिल्म बहुत गर्म हो गई है, गर्म नहीं होती है, कोई खरीदार नहीं होता है, तो फिर मजबूरन प्रोड्यूसर को अपनी फिल्म कमीशन बेसिस पर ही देनी पड़ती है। एंड कमीशन बेसिस का एक और वेरिएशन है एडवांस कमीशन बेसिस। इस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म लेता है लेकिन खरीदता नहीं है, वो पैसे देता है प्रोड्यूसर को यह कहकर कि अगर फिल्म ने ये प्राइस रिकवर नहीं की तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, आपको जितना बैलेंस है, जितना शॉर्टफॉल है वो हमें रिफंड करना पड़ेगा। हम केवल एडवांस के तौर पर आपको पैसे दे रहे हैं, ना कि खरीदने के लिए प्राइस दे रहे हैं। इसमें भी कमीशन चार्ज करता है डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन उसका रिस्क मिनिमल होता है, उसका रिस्क ना के बराबर होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर ने यह प्रॉमिस किया है कि जितना भी बिजनेस होगा ठीक है, अगर प्राइस से ज्यादा बिजनेस होगा तो आपका पैसा उसके बाद हम शेयर करेंगे, जैसे एमजी रॉयल्टी सिस्टम में शेयर करते हैं। और अगर प्राइस तक भी पहुंचती नहीं है फिल्म, बिजनेस प्राइस से कम होता है, तो जितना भी हमने आपसे लिया है बिजनेस कम करके बैलेंस हम आपको रिफंड कर देंगे। इस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर का रिस्क कम होता है। यह बात अलग है कि कभी कभी प्रोड्यूसर अपने हाथ ऊपर कर देता है और कहता है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, एंड सालों साल तक ये झगड़े कहो, ये लीगैलिटीज कहो, सालों साल तक चलते रहते हैं बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द डिस्ट्रीब्यूटर। अब जब डिस्ट्रीब्यूटर सिनेमा घर बुक करता है, सिनेमा में फिल्म चलाता है, चाहे वो सिंगल स्क्रीन सिनेमा हो या मल्टीप्लेक्स हो, जनरली स्पीकिंग ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर के बीच में जो टर्म्स होते हैं वो तय ही होते हैं, यानी जो प्रथा चली आई है वैसे ही चलता है। फॉर इंस्टेंस मल्टीप्लेक्सेस की अगर बात करते हैं तो मल्टीप्लेक्सेस में आप और हम जब फिल्म देखने जाते हैं, टिकट काउंटर पर, बॉक्स ऑफिस काउंटर पर हम पैसे देते हैं, वो पूरा पैसा जो इकट्ठा होता है सारे मल्टीप्लेक्सेस में, उन पैसों में से जीएसटी तो गवर्नमेंट को जाता है, स्टेट जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा जिस स्टेट में आपका सिनेमा है, एंड सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। उसके बाद जो बचता है उसे हम नेट कलेक्शंस कहते हैं। याद है आप सुनते होंगे दिस फिल्म हैज नेटेड 100 करोड़, इस फिल्म के नेट कलेक्शन 100 करोड़ हो गए, यानी वो जीएसटी एसजीएसटी एंड सीजीएसटी देने के बाद 100 करोड़। दोस्तों अगर ये बहुत टेक्निकल और कंफ्यूजिंग हो रहा है तो मैं रेफर करूंगा हमारा पहला वाला वीडियो, एक वीडियो हमने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को एक्सप्लेन करते हुए आपको बताया था, तो उस वीडियो को भी रेफर कीजिए तो आसानी होगी आपको समझने में। तो खैर एग्जिबिटर्स मल्टीप्लेक्सेस जो होते हैं वो सीजीएसटी और एसजीएसटी गवर्नमेंट्स को देकर जो भी बचता है 50% वापस डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, 50% एग्जिबिटर खुद रखता है। आखिर एग्जिबिटर ने अपने सिनेमा अपने मल्टीप्लेक्सेस दिए हैं उस फिल्म को दिखाने के लिए, तो रेंट तो चार्ज करेंगे, तो 50% एग्जिबिटर अपने आप रखता है एंड 50% डिस्ट्रीब्यूटर को देता है फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक में एग्जिबिटर का शेयर बढ़ते जाता है, सेकेंड थर्ड फोर्थ वीक में, एंड डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर घटते जाता है। तो सेकेंड वीक में 42.5% डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है जो भी कलेक्शन हुए हैं, एंड 57.5% एग्जिबिटर खुद रखता है। थर्ड वीक में डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्सा केवल 35% होता है,
और फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन जब तक फिल्म चले उस टाइम फोर्थ वीक ऑनवर्ड्स एग्जिबिटर डिस्ट्रीब्यूटर को केवल 30% देता है, 30% डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, 70% ऑफ द कलेक्शंस ऑफ द फोर्थ वीक एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड ऑनवर्ड वीक्स एग्जिबिटर खुद अपने लिए रखता है। इसीलिए आजकल हर प्रोड्यूसर की कोशिश ये रहती है कि वो इस प्रकार की फिल्म बनाए जो फटाफट पहले दो तीन हफ्तों में जम के बिजनेस कर ले, क्योंकि पहले दो तीन हफ्तों में जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलता है एंड देयरफॉर इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर एक ही होते हैं, तो हर प्रोड्यूसर की कोशिश ये रहती है कि उस प्रकार की फिल्म बनाए जो पहले दो तीन हफ्तों में जम के बिजनेस कर ले, उसके बाद चले या ना चले, क्योंकि उसके बाद चौथे हफ्ते से जब फिल्म चलती है फायदा ज्यादा एग्जिबिटर्स को होता है, सिनेमा वालों को होता है, यानी मल्टीप्लेक्स चेन्स को होता है, ना कि प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर को। एक और बात, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी हिट जो बनाते हैं उन्हें कोई बोनस नहीं मिलता है, ऑफकोर्स बोनस मिलता है। कहने का मतलब है कि अगर आपकी फिल्म, एक प्रोड्यूसर की फिल्म, एक डिस्ट्रीब्यूटर की फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित होती है, तो ये 50% जो फर्स्ट वीक में मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर को, उसे 52.5% मिलता है। सिमिलरली सेकेंड वीक में जो 42.5% मिलता है सुपर हिट फिल्मों के लिए 45% हो जाता है। एंड दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द थ्रेशोल्ड फिगर। थ्रेशोल्ड फिगर हर साल डेढ़ साल में बदलते रहता है, और इसलिए देर इज ऑफकोर्स अ बोनस फॉर पीपल हु मेक सुपर हिट फिल्म। लेकिन जैसा मैंने पहले भी समझाया, आजकल प्रोड्यूसर्स का ये सिस्टम हो गया है, ये थिंकिंग हो गई है कि हमें इस प्रकार की फिल्में बनानी है जो इनिशियल वैल्यू वाली फिल्में हो, जो जम के ओपनिंग ले, ताकि हमें फर्स्ट टू एंड थ्री वीक्स में जितना ज्यादा पैसा मिले उतना बेहतर है, बिकॉज द परसेंटेज which goes to the distributors in the first, second and third week is far, far more than what they get in the fourth and onward weeks. Dosto, aapko hamara ye video explaining the distribution and exhibition systems in the film industry kaisa laga? Comments section mein jaake apne comments zarur post kijiye, taki hame pata chale ki hum jo aap tak videos pahuncha rahe hain wo aapko bha rahe hain ya nahi bha rahe hain. Shukriya, thank you. And yes, please do not forget to subscribe to our channel jiska naam hai Komal Nahata Official.